प्रिय छात्रों, अपने यूट्यूब चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेज में हम आज अध्ययन करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास नाइन्थ के बुक बी हाइव के सेकंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट। हम लोग फर्स्ट पार्ट अध्ययन कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट का नाम था इवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। अब सेकंड पार्ट है अपने देश के भारत रत्न शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिस्मिल्ला खान एक ऐसे कलाकार हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें पार्ट सेकंड में। जो हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो ये नाइन्थ में यूपी बोर्ड की बुक में बी हाइव जो कि पहली बार रखी गई है 2020-21 में, तो इसका सेकंड लेसन है प्रोज का। तो देखेंगे हम पार्ट सेकंड शहनाई, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्ला खान, बिस्मिल्ला खान की शहनाई। डू यू नो दीज पीपुल व्हाट इंस्ट्रूमेंट डू दे हैव डू दे प्ले, क्या तुम लोग जानते हो कौन से वाद्य यंत्र ये बजाते हैं। प्ले माने बजाना होता है, प्ले माने नाटक होता है, प्ले माने खेल होता है, खेलना होता है। तो ये हमारे देश के कलाकार हैं जो विभिन्न वाद्य यंत्रों में अपनी कुशलता प्राप्त किया है। तो हम अपने पार्ट पे आते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन। थिंक ऑफ द शहनाई, शहनाई के बारे में सोचो। अर्थात जब शहनाई सब हमारे माइंड में आता है, एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, तो पहली चीज संभवता तुम सोचते हो, कल्पना करते हो। प्रोबेबली संभवता, इमेजिन में कल्पना करना। वेडिंग का ध्यान आता है, शादी के समारोह का ध्यान आता है। आर ए सिमिलर ऑकेजन आर फंक्शन, या उसी प्रकार का, उसी प्रकार के किसी फंक्शन के का याद आ जाता है हमें। जब शहनाई माइंड में आती है, शहनाई का ध्यान आता है, तो हमारे दिमाग में किसी शादी समारोह का या उसी प्रकार के किसी अन्य फंक्शन का ध्यान आ जाता है, क्योंकि शहनाई ऐसे अवसरों पर बजाई जाती है, ऐसे अवसरों पर शहनाई बजाना शुभ माना जाता है। द नेक्स्ट वर्ड पर प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और उसके बाद जो है संभवतः हमें जो उसके सबसे महान शहनाई वादक हुए हैं बिस्मिल्ला खान का नाम याद आ जाता है। द शहनाई मास्टर, जो शहनाई के कुशल एक्सपर्ट थे जो है। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को, इस वाद्य यंत्र बजाने वाले सबसे कुशल माने जाते हैं, शहनाई वादक माने जाते हैं। चलो देखते हैं। इम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिस्टेंस, फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। इम्परर औरंगजेब, शहनशाह औरंगजेब, जो मुगल बादशाह था औरंगजेब, बैंड माने बैंड लगा दिया था, रोक दिया था। द प्लेइंग माने बजाना ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक संगीत का यंत्र, कॉल्ड पुंगी, जिसको पुंगी कहते थे। पहले पुंगी बजाई जाती थी, लेकिन औरंगजेब सम्राट शहंशाह औरंगजेब ने जो है इसके पुंगी बजाने पर रोक लगा दिया था। इन द रॉयल रेजिडेंस माने शाही आवास में, अर्थात महल में अपने। फार, क्योंकि, क्यों रोक लगाया था। इट हैड ए श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, इसमें वह तीखी आवाज़ होती थी, पुंगी की आवाज़ बहुत तीखी होती थी और अप्रिय लगती थी सुनने में, अनप्लीजेंट माने अप्रिय लगती थी साउंड इसकी, किसकी, पुंगी की, और वह श्रिल हो तीखी होती थी। इसलिए शहंशाह औरंगजेब ने पुंगी के बजाने पर अपने महल में या अपने शाही दरबार में रोक लगा दिया था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स, पुंगी जो है हो गई थी एक जेनरिक नेम हो गया था, संपूर्ण वर्ग का नाम हो गया था, जेनरिक नेम संपूर्ण वाद्यंत्र का नाम हो गया था। फॉर रीडेड, रीड माने नरकुल होता है, सरकंडा, आर डबल ई डी, रीड माने सरकंडा होता है, रीडेड सरकंडा की बनी हुई है, नरकुल की बनी हुई। नॉइज मेकर्स माने शोर मचाने वाली,
पुंगी एक प्रकार से स्वर मचाने वाले नरकुल से बनी हुई एक जो है एक वाद्य यंत्र का नाम हो गया था, अर्थात ये स्वर मचाती थी और नरकुल बनी होती थी, सरकंडे की बनी होती थी। फ्यू हैड थाट, फ्यू माने किसी ने, मुश्किल से किसी ने, फ्यू हैड थाट मुश्किल से किसी ने सोचा दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, किसी ने मुश्किल से सोचा था कि यह किसी दिन पुनर्जीवित हो जाएगी। फ्यू माने मुश्किल से किसी ने या ना के बराबर किसी ने। फ्यू हैड थाट किसी ने मुश्किल से सोचा था दैट इट हैड वन डे बी रिवाइव्ड के किसी दिन की यह किसी दिन अर्थात पुंगी किसी दिन पुनर्जीवित हो जाएगी, दूसरी रूप में पुनर्जीवित हो जाएगी। रिवाइव माने पुनर्जीवित होना। ए बार्बर एक नाई, बार्बर माने नाई जो बाल काटता है बनाता है। ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक व्यावसायिक संगीतकारों के परिवार का एक नाई था। प्रोफेशनल म्यूजिशियन में व्यावसायिक संगीतकारों के परिवार का एक नाई था। हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच शाही दरबार तक थी, अर्थात औरंगजेब के दरबार में उसकी पहुंच थी। हु हैड एक्सेस माने पहुंच होता है, टू द रॉयल पैलेस माने शाही दरबार में उसकी पहुंच थी। डिसाइडेड उसने निर्णय किया, क्या निर्णय किया, टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी, आवाज़ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का निर्णय किया। और जो नाई था जिसकी पहुंच शाही दरबार तक थी और वो एक व्यावसायिक घराने का था, व्यावसायिक संगीत घराने संगीतकार के घरानों का था जो है वो व्यावसायिक संगीतकारों के घरानों का था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव उसने इम्प्रूव करने का निर्णय किया, अर्थात उसमें सुधार करने का निर्णय किया। द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी, पुंगी की जो आवाज़ की क्वालिटी में सुधार करने का निर्णय किया। ही चोज ए पाइप, उसने एक पाइप लिया। ही चोज मन चुना, चोज मन चुनना होता है, चूज सी एच डबल ओ एस सी चूज में चुनना होता है, सेकेंड फॉर्म में चोज। ही चोज ए पाइप, उसने एक पाइप चुना विद ए नेचुरल हॉलो स्टेम, जिसमें प्राकृतिक रूप से जो है खाली होता था, बीच में खाली होता, हॉलो मैंने खाली होता था। स्टेम मैंने तना, जिसका तना जो है एक पाइप का तना जो है वो बीच में खाली होता था। दैट वाज लॉन्गर एंड बोल्डर देन द पुंगी, वो पुंगी से लंबा भी होता था और चौड़ा भी होता था। एक ऐसा पाइप लिया, किसी लकड़ी का पाइप या नेचुरल थिंग्स का पाइप लिया जो है जो पुंगी से लंबा भी होता था और चौड़ा भी होता था, उसमें होल होता था, बीच में होल होता था, हॉल मन होल होता, छेद होता था। एंड मेड सेवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उस पाइप की बॉडी में जो है सात होल कर दिए, सात छेद कर दिए। एंड मेड सेवन होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, पाइप में जो है सात छेद कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने इसको बजाया, प्ले ऑन मन बजाना होता है। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसको बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, और इसके कुछ होलों को खोलता था, बंद करता था, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तब इसमें जो है बहुत कोमल और मधुर आवाज़ पैदा होती थी। जब उसके पाइप के छेद कर लिए और छेदों को बंद करता था, बजाते समय उस फूंकते समय बंद करता था, खोलता था, कुछ को खोलता था, कुछ बंद करता था, तो उसमें मेलोडियस और सॉफ्ट आवाज़ निकलती थी, बहुत कोमल और मधुर आवाज़ से पैदा होती थी, साउंड फॉर प्रोड्यूस्ड पैदा होती थी। ही प्लेड, ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, उसने शाही दरबार में के सबके सामने उस यंत्र को बजाया। एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड, और हर व्यक्ति प्रभावित हुआ, इम्प्रेस में प्रभावित होना, उसकी आवाज़ सुन करके जो नया यंत्र बनाया उसमें सात छेद करके एक खाली नुमा पाइप में सात छेद करके जो है उसमें बजाया उसको, तो हर व्यक्ति प्रभावित हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी, जो पुंगी से इतने इस प्रकार से भिन्न यंत्र था, अर्थात पुंगी से बिल्कुल भिन्न यंत्र था जो है टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसको एक नया नाम दिया जाना था, इसको कहा क्या जाए, जो उसने यंत्र बजाया उसको नाम क्या रखा जाए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्राम द पुंगी है टू बी गिवन ए न्यू नेम, उसको एक नया नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी बताई जाती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, क्योंकि इसको सबसे पहले शाह के दरबार में अर्थात शाही महल में इसको बजाया गया था,
इज दैट द स्टोरी टू गोज सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स, ये शाह शहनशाह के दरबार में या शहनशाह के चैम्बर में इसको बजाया गया था। एंड वॉज प्लेड बाई ए नाई, और एक नाई ने बजाया था इसको, नाई जो बाल काटते हैं उसने बजाया था इसको जो है। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, तो इसलिए उसका नाम शहनाई रखा गया। शहनाई शाह मतलब शाही दरबार में, और नाई मतलब नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि उसका नाम शहनाई क्यों रखा गया, बिकॉज इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर्स शाह रूम्स एंड इट वॉज प्लेड बाई ए नाई, सो इट इज कॉल्ड दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज कॉल्ड द शहनाई, सो दिस इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड बाई द नेम ऑफ शहनाई, इसलिए इसका नाम शहनाई रखा गया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये शहनाई का आकार देख लीजिए कैसा, पहले पुंगी होती थी, ऐसी होती थी जिसकी आवाज़ बहुत तीखी होती थी और बहुत तो अप्रिय आवाज़ निकलती थी, लेकिन शहनाई जिसमें साँस छीन करके इसको बनाया गया जो है, जिसमें आवाज़ बहुत मधुर और कोमल आवाज़ निकलती थी, इसलिए शहनाई अस्तित्व में आई। एक नाई के द्वारा इसका अस्तित्व में लाया गया सुधार करके पुंगी को। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, शहनाई की आवाज़ जो है समझी जाने लगी, कंसिडर समझना, ऑस्पिशियस मैंने शुभ, शुभ ऑस्पिशियस नया शब्द है, अच्छा शब्द है शुभ, तो शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाता था, किसी अवसर पर शहनाई की आवाज़ को शुभ माना, कल्याणकारी माना जाता है। एंड फॉर दिस रीजन, और यही कारण से इट इज़ स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स, इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा। एंड एज इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और उत्तरी भारत के किसी भी शादी समारोह का अपरिहार्य अंग बन गया, अर्थात ये असंभावी हो गया, बिना इसके शादी हो ही नहीं सकती थी, ये माने जाने लगे, बिना शहनाई बजे शादी हो ही नहीं सकती थी। एंड फॉर दिस रीजन, देखिए फिर से देखिए, और इसी कारण से इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा एंड शादियों में बजाया जाने लगा। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल मन अपरिहार्य कंपोनेंट मन यंत्र हो गया, अंग हो गया ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन उत्तरी भारतीय शादियों में, इसको बजाया जाना एक अपरिहार्य माना जाए, क्योंकि इसको बजाना जो शुभ माना जाता था, तो शुभ कार्य के लिए इसको बजाया जाना बहुत अपरिहार्य हो गया था, अर्थात हर व्यक्ति जो है अपने शादी समारोह में शहनाई बजवाता था। इन द पास्ट भूतकाल में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत, इससे पहले जो है प्राचीन काल में जब शहनाई की खोज हुई थी तो इसको नौबत के अवसर पर बजाया जाता था। एंड ट्रेडिशन और परंपरागत इंसम्बल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबारों में नौ यंत्र पाए जाते थे उसका एक अभिन्न हिस्सा था, अर्थात शहनाई को होना मस्ट था, नौ प्रकार के वाद्य यंत्र राजमहलों में या शाही महलों में बजाए जाते थे, उसमें शहनाई जो था वो नौबत के अवसर पर जो है, और ट्रेडिशन इंसम्बल माने एक प्रकार का पारंपरिक वाद्य यंत्र माना जाता था, बिना इसके जो है जो सभी इंस्ट्रूमेंट जो पूरे नहीं माने जाते थे, अर्थात जो है देखिए द शहनाई वाज द पार्ट ऑफ नौबत आर ट्रेडिशनल इंसेम्बल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, जो शाही दरबारों में नौ वाद्य यंत्र पाए जाते थे उसमें से जो है ये शहनाई जो है एक अभिन्न हिस्सा माना जाता था, और नौबत के अवसर पर सुबह सुबह उसको बजाया जाता था। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ऑनली, टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ऑनली ए टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, आजकल तो इसे मंदिरों में और शादी समारोहों में इस समय बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज, तो द क्रेडिट में श्रेय किसको दिया जाए, फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस यंत्र को लाने के लिए श्रेय किसको दिया जाए, अनटू द क्लासिकल स्टेज माने शास्त्रीय संगीत मंच पर जो है, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान, इसका जो है श्रेय उस्ताद कुशल बिस्मिल्ला खान को जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट अनटू द क्लासिकल स्टेज, एक शास्त्रीय संगीत का मंच पर इसे लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्ला खान को जाता है। आज जब हम पढ़ेंगे उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में, एज ए 5 ईयर ओल्ड, जब 5 साल के थे बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा, जब 5 साल की उम्र थी एक बच्चे की तरह, बच्चे में बचपन में जो है बिस्मिल्ला खान जो है गिल्ली डंडा खेला करते थे, नियर ए पांड इन द अनसीन्ट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार के डुमराव राज्य में, प्राचीन बिहार के
डुमराव राज में वो एक पांड के किनारे, एक तालाब के किनारे जब वो छोटे 5 साल के थे तब वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। अर्थात जिसका बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं उसी प्रकार वो भी जो है बिस्मिल्ला खान भी जो है एक तालाब के किनारे डुमराव बिहार के डुमराव में जो है वो गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहार जी टेम्पल टू सिंग ए भोजपुरी चैता। ही वुड रेगुलरली गो, वो जाया करते थे, रूड का प्रयोग है भूतकाल की आदत प्रकट करने के लिए। ही वुड रेगुलरली गो, वो जाया करते थे टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, निकट के बिहारी जी मंदिर को जाया करते थे टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए। भोजपुरी भोजपुरी भाषा में चैता गाने का रिवाज था, चैता चैत्र के महीने में गाया जाता उसे। तो ही वुड रेगुलरली गो टू द नियरली नियर बाई बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, वो निकट के बिहारी जी मंदिर में जो है जो छोटे थे तो भोजपुरी चैता गाने के लिए जाया करते थे। एट द एंड ऑफ व्हिच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग 1.225 kg। और अंत में गाने जब समाप्त होता था चैता गाना वहाँ पर जो है तो उनको पुरस्कार मिलता था। इन द एंड ऑफ व्हिच ही वुड अर्न, उनको मिलता था ए बिग लड्डू, एक बड़ा लड्डू मिलता था वेइंग, जिसका वजन 1.25 kg होता था, 1.25 kg होता था वजन उस लड्डू का जो है, वो उनको इनाम के रूप में मिलता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जो वहाँ के लोकल स्थानीय महाराजा थे, राजा थे, उनके द्वारा इनको लड्डू 1.25 kg का लड्डू दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा 80 साल पहले हुआ था, ऐसा दिस हैपेंड 80 years ago, ये 80 साल पहले हुआ करता था ऐसा जो है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया द भारत। तो 80 साल पहले तो उनको 1.25 kg लड्डू मिलता था, लेकिन ये छोटा बालक जो है जिसने अपनी लंबी यात्रा किया है इस क्षेत्र में सहनाई बादन के क्षेत्र में एंड अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया, और उसके बाद जो है उस यात्रा में अपनी सहनाई की यात्रा में आज तक की यात्रा में भारत के सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार को प्राप्त किया है, द भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अर्थात जो 1.25 kg लड्डू पर बजाने जाता था वहाँ पर जो है चैता गाने जाता था, यही बालक आगे चलकर इतनी यात्रा अपनी संगीत की यात्रा में जो है इतनी ख्याति प्राप्त किया है कि भारत के सबसे महान पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त कर चुकी है, अर्थात उनको भारत रत्न दिया जा चुका है। जन्म देखिए कब हुआ था, बॉर्न ऑन 21st March 1916। इट मीन बिस्मिल्ला खान वाज बॉर्न ऑन 21st March 1916। बिस्मिल्ला खान का जन्म 21 मार्च 1916 को पैदा हुए थे। बिस्मिल्ला बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्ला खान बिहार के सब संगीतकारों के एक प्रसिद्ध परिवार से संबंधित थे। बिस्मिल्ला बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली, एक प्रसिद्ध परिवार संबंधित थे, किसके परिवार से, म्यूजिशियंस में संगीतकारों के, फ्राम बिहार, बिहार के बिस्मिल्ला खान बिहार के प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार से संबंधित थे, वेल नोन प्रसिद्ध म्यूजिशियन संगीतकारों के। हिज ग्रैंड फादर, उनके दादा क्या नाम था, रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज ऑफ दी भोजपुर किंग्स कोर्ट, वो भोजपुर के राजा के दरबार में जो है सहनाई बजाया करते थे, सहनाई नवाज थे, अर्थात सहनाई बजाने जाते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, और उनके पिताजी का नाम पैगंबर बख्श था जो है। एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और उनके पैतृक जो अन्य पूर्वज थे, वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, वह भी जो है महान सहनाई वादक थे। अर्थात इनका पूरा परिवार, खानदान, बाबा दादा तक जो है वो सब सहनाई बजाने के लिए प्रसिद्ध थे जो है, इसलिए एक संगीतकार परिवार से संबंधित थे। हाँ प्लीज सी, द यंग बॉय टू की म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, इस युवा लड़के ने अपने प्रारंभिक जीवन से संगीत को पकड़ा, अर्थात संगीत में अपनी सहभागिता किया। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, अपने बचपन से ही संगीत में अपना संगीत को अपना हिस्सा बनाया। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी,
जब वो 3 साल का था उसकी जब जब बिस्मिल्लाह खान 3 साल के थे उनकी माँ उनको ले करके अपने उनके मामा के यहाँ गई, मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, जो कि बनारस में रहते थे और आजकल वाराणसी कहते हैं। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो है आकर्षित होते थे देखने के लिए अपने मामा को जो है शहनाई पर प्रैक्टिस करते हुए, अर्थात वो जाकर मामा के यहाँ रहने लगे छोटे से बचपन में। तो वो जो है जब उसके मामा जो है शहनाई बजाते थे, शहनाई प्रैक्टिस करते थे, तो उनकी ओर बहुत आकर्षित होते थे, अर्थात संगीत शहनाई सुनने के लिए बहुत आकर्षित होते थे वॉचमैन देखने के लिए। सुन जल्दी ही बिस्मिल्लाह स्टार्टेड ए कंपनिंग हिज अंकल। जल्दी ही जो है बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ जाने लगे, जहाँ पर उसके मामा बजाने जाते थे वहाँ पर वो जाने लगे। अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वाज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई। अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल, हाँ देखिए अली बक्स जो उसके मामा थे वो विष्णु मंदिर को, बनारस के विष्णु मंदिर को जाते थे। होयर यहाँ पर बक्स वाज इम्प्लाइड टू प्ले द शहनाई, बक्स को अर्थात अली बक्स को जो है शहनाई बजाने के लिए रखा गया था। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई, अली बक्स शहनाई बजाते बजाया करते थे। अली बक्स वुड प्ले द शहनाई, अली बक्स उसके जो उसके मामा थे वो शहनाई बजाया करते थे। एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स, और बिस्मिल्लाह जो थे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक कैप्टिवेटेड हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उसी में खो जाते थे, अपने को खो देते थे जो है उस संगीत को सुनने में। देखिए बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स टू ऑन एंड, माने अंत तक घंटों घंटों बैठा करते मंत्रमुग्ध होकर के वहीं बैठ के सुना करते थे। स्लोली धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे वो भी जो है बजाने की प्रैक्टिस करने लगे। गेटिंग लेसन्स मतलब बजाने की सीखने लगे इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, उस यंत्र को अर्थात शहनाई बजाने के लिए बजाना सीखने लगे। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरे दिन प्रैक्टिस किया करते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोल्टिट्यूड। देखिए फॉर ईयर्स वर्षों कई वर्षों तक टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी और मंगला मैया और बालाजी के मंदिर को वर्षों तक कई वर्षों तक जाते थे। एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा किनारे जाते थे। बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉर्न्स, और ये स्थान जो है ये गंगा जी का स्थान, गंगा जी का किनारा जो था उसको सीखने के लिए एक प्रिय स्थान हो गया जहाँ पर वो जाया करता था, हॉर्न्स में बार बार जाते थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सोल्टिट्यूड, जहाँ पर वह एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे, सीखने के लिए उस स्थान पर जाते थे और एकांत में प्रैक्टिस किया करते थे। सोल्टिट्यूड मैंने एकांत, प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रैक्टिस कर सके इसलिए जाते थे वहाँ पर जो है। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज। द फ्लोइंग वाटर्स बहता हुआ गंगा का जल आदि गंगा इंस्पायर्ड हिम, उनको प्रेरित करता था टू इम्प्रोविस माने सुधार करने के लिए, नए राग उत्पन्न करना हुआ गाना, एंड इन्वेंट राग्स और नए राग खोजना, नए रागों को आविष्कार करना, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द राग रेंज ऑफ द शहनाई, जिनको अभी तक शहनाई के रागों में कल्पना भी नहीं की गई थी। देखिए फिर से द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा, गंगा के बहते हुए जल के किनारे इंस्पायर्ड हिम, जो उनको प्रेरित करता था टू इम्प्रोविस माने नए आविष्कार करने के लिए, एंड इन्वेंट माने रागास रागों की वाद्यंत्र शहनाई के रागों को इन्वेंट करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जो है उनको इंस्पायर करता था, गंगा जी के जल से उनको प्रेरणा मिलती थी। दैट वर अर्लियर कंसिडर टू बी बियॉन्ड, जो उस समय समझे जाते थे बियॉन्ड परे समझे जाते थे, द रेंज ऑफ द शहनाई शहनाई के क्षेत्र से परे समझे जाते थे, ऐसे रागों का आविष्कार उन्होंने किया जो उस समय शहनाई बजाने वाले सोच भी नहीं सकते थे। एट द एज ऑफ 14 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह एकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान जो है अपने मामा के साथ इलाहाबाद में म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए गए। एट द एज ऑफ 14 व्हेन बिस्मिल्लाह खान वाज 14 ईयर्स ओल्ड ही वेंट टू विद हिज अंकल टू इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। तो जो 14 साल की उम्र
जब 14 साल के थे, एक बार बिस्मिल्लाह खान अपने मामा के साथ जो है इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए एट द इंड ऑफिस रिसाइटल, और उन्होंने वहाँ गाना गाया रिसाइटल में, वही संगीत बजाया, म्यूजिक बजाया उस पर सानाई पर, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड शिट। तो उस समय जो उस्ताद थे, कुशल कलाकार थे सानाई के फैयाज खान, पैटेड द यंग बॉयज, उन्होंने थपथपाया, पैटेड थपथपाना किसको, द यंग बॉयज बैक, उस युवा लड़के अर्थात बिस्मिल्लाह खान के पीठ को थपथपाया। एंड से मैंने कहा था उस्ताद फैयाज खान ने उनके पीठ पर थपथपाया था और कहा था, क्या कहा था, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन परिश्रम करते रहिए, तुम इसको जो है इसमें सफलता प्राप्त करोगे, यू विल गेट सक्सेस वन डे, कठिन परिश्रम करते रहिए आप इसमें सफलता प्राप्त करोगे, यू शैल मेक इट, तुम सफलता प्राप्त करोगे। इसका अर्थ हुआ विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, और जब लखनऊ में जो है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई कब, 1938 में केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो उसमें जो है बिस्मिल्लाह खान ने उसकी शुरुआत किया। देखिए विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, तो 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई बिस्मिल्लाह खान को उसके प्रारंभ करने के लिए गए था, तो वहाँ जाकर सहनाई बजाया, ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उनको रेडियो पर प्रायः जो है संगीत बजाते हुए सुना जाता था, ही सून बिकेम एन ऑफन हियर्ड में प्रायः सुना जाता था सहनाई बजाते हुए रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में जो है उनको के स्टेशन, लखनऊ के स्टेशन पर था, रेडियो में जो है हम लोग जो है उनको सहनाई बजाते हुए सुनते थे। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को हम भारत आज़ाद हो गया, व्हेन इंडिया गेन्ड, जब भारत को प्राप्त हुई इंडिपेंडेंस मैंने आज़ादी, ऑन 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त को जब भारत देश को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज सहनाई, बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय थे जिन्होंने जो है अपना सहनाई के द्वारा जो है देश का अभिनंदन किया, स्वतंत्रता का अभिनंदन किया, ग्रीट में अभिनंदन करना, स्वागत करना, ग्रीट द नेशन, राष्ट्र को स्वागत किया विद सहनाई, अपनी सहनाई बजा करके 15 अगस्त 1947 को, ही प्योर हिज हार्ट आउट इन टू राग कफी फ्रॉम द रेड फोर्ट, और उन्होंने उस समय जो है कफी राग बजाया था, कफी राग होता है सहनाई का राग होता है कफी, फ्रॉम द रेड फोर्ट लाल किले से जो है उन्होंने जो है कफी राग बजाया था टू एन ऑडियंस व्हिच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रोतागणों के सामने ऑडियंस के सामने जो है लाल किले में जो है उन्होंने कफी राग बजा करके सहनाई से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था, इंक्लूडेड जिसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, हु लेटर गेव हिज फेमस टाइस्ट विद डिस्टिंग स्पीच, जिन्होंने बाद में जो है जो भाषण दिया था उसमें बिस्मिल्लाह खान का उल्लेख किया था, भाग संगीत प्रेमियों के मिला स्थान, उन्होंने कहा था कि सौभाग्य है कि हम लोग संगीत प्रेमी ऐसे अवसर पर जो है सहनाई वाद्य यंत्र को अर्थात बिस्मिल्लाह खान के सहनाई को सुन रहे हैं, ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ट्रस्ट विद डेस्टिनी अर्थात हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो है पंडित वो सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सुन रहे हैं। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोध, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोध इंडिया एंड बोर्ड, बिस्मिल्लाह खान ने जो है बहुत से स्मरणीय परफॉर्मेंस दिया है, बहुत से स्मरणीय जो है अपने परफॉर्मेंस दिया है बोध इन इंडिया एंड ए बोर्ड, माने भारत में भी और विदेशों में भी। हिज फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वाज टू अफगानिस्तान, वो पहली यात्रा उन्होंने अफगानिस्तान की किया था सहनाई बजाने के लिए, अफगानिस्तान पहली बार गए थे, फर्स्ट ट्रिप अबोर्ड वाज टू अफगानिस्तान, वो पहली बार अफगानिस्तान गए थे सहनाई बजाने के लिए, वेयर जहाँ पर किंग जहीर शाह, जहाँ पर वहाँ के अफगानिस्तान के शासक जहीर खान वाज सो टेकन बाई द मेस्टो, उनके संगीत से उनके संगीतक जो इतना प्रभावित हुआ दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, कि उसने जो है उनको अमूल्य पर्शियन फारस की
कारपेट्स मैंने दरी या गलीचा दिया था एंड अदर सोवनियर्स और अन्य स्मृति चिन्ह दिए थे। सोवनियर्स माने स्मृति चिन्ह स्मारिका होती है। तो अफगानिस्तान के शासक जहीर खान ने जितना प्रभावित हुआ था उनकी कला से, संगीत की कला से जो है कि उनको बहुत से पुरस्कार दिया। उसमें कीमती फारस की दरी थी, गलीचा था एंड अदर सोवनियर्स और अन्य जो है स्मृति चिन्ह थे जो है। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट दी ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह म्यूजिक। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। अफगानिस्तान का राजा या अफगानिस्तान शासक जो है वो केवल बिस्मिल्लाह खान के संगीत से प्रभावित ही भी नहीं हुआ, फिल्म डायरेक्टर केवल अफगानिस्तान का शासक ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूजिक से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वा सो इम्प्रेस्ड कि फिल्मों के डायरेक्टर विजय भट्ट थे वो भी इतना प्रभावित हुए वा सो इम्प्रेस्ड इतना प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खान की सहनाई को सुनकर के प्ले एट फेस्टिवल एक पर्व पर जो है दैट ही नेम्ड ये फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सुनाई, कि उन्होंने अपने एक फिल्म का नाम ही गूंज उठी सुनाई रखा था। अर्थात फिल्म मेकर कौन थे, फिल्म मेकर विजय भट्ट वाज आल्सो इम्प्रेस्ड बाय द साउंड ऑफ सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ही नेम्ड हिज ये फिल्म गूंज उठी सहनाई, उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी सहनाई रखा था। अर्थात फिल्म मेकर जो विजय भट्ट थे वो भी बहुत प्रभावित हुए थे इनकी सहनाई से और उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी सहनाई रखा था जो है। द फिल्म वाज ए हिट, ये फिल्म जो बहुत लोकप्रिय हुई थी। द फिल्म वाज ए हिट, ये फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई थी। चलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान पर रुक जाते हैं, यहाँ फिर से पढ़ेंगे दोबारा क्योंकि इतना हो गया 30 मिनट का जो है उसको सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, थर्ड पार्ट पढ़ेंगे जो है, क्योंकि 30 मिनट को हो गया, बहुत लंबा होना ठीक नहीं है, तो हम इसको थर्ड पार्ट में यहाँ से पढ़ेंगे। आई स्टॉप हियर।